एक ऐसा मंदिर जिसको बनाने में कारीगर ने नदी में कूद कर दी थी जान। ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 700 से भी अधिक साल पुराना है। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बने इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा पुरी में है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1250 में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर में ही प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। इसकी संरचना रथ के आकार की है। रथ में कुल 22 जोड़े पहिए हैं। एक पहिया का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने के भी काम करती है। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक भी माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 मूर्तियां हैं, जिसमें सिंह के नीचे हाथी है और हाथी के नीचे मानव शरीर है। मान्यता है कि इस मंदिर के करीब 2 किलोमीटर उत्तर में चंद्रभागा नदी बहती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। ऐसी कहावत है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसु मोहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण पूरा किया और मंदिर बनाने के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी थी। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से हुआ है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अर्क का अर्थ सूर्य देव है। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार है। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल कर लिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप मिलने के कारण कोड रोग हो गया था, जिससे निजात पाने के लिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर कोणार्क में 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य देव ने उन्हें इस रोग से मुक्त किया। तब उन्होंने इस जगह पर सूर्य देव का मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और नदी में स्नान करने के दौरान उन्हें सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। ऐसी मान्यता है कि सूर्य की इस प्रतिमा को विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी मूर्ति को सांब ने स्थापित किया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।